नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर, खबरें देखते हैं गांव की। बाढ़ अनुमंडल में पहली बार चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे देखे गए। बख्तियारपुर प्रखंड के चंपापुर गांव के एक बच्चे को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बाढ़ से शबसोहरा जाने वाले पथ पर नदामा गांव के पास स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। उसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बख्तियारपुर प्रखंड के मुगलपुरा पंचायत में एक शिक्षक विकास मद का पैसा लेकर महीनों से लापता है, जिसे लेकर विद्यालय का कामकाज ठप है। बेलची प्रखंड के शबसोहरा के पास नाला निर्माण में गड़बड़ी होने के चलते सड़क नाले में तब्दील हो गई, इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ स्टेशन पर खुलेआम दूध का कारोबार हो रहा है, जिससे भीड़भाड़ और गंदगी फैल रही है। बेलची प्रखंड के बटेरिया बीघा गांव में सांप काटने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। अटमल गोला प्रखंड के नेवडा फुलेलपुर पंचायत में सात निश्चय योजना के तहत बिछाए गए पाइप का बुरा हाल है। बाढ़ स्टेशन पर लावारिस पशु की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एनटीपीसी थाना इलाके के गौरक्षणी मोड़ के पास पिकअप वैन के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड में बागमती तटबंध पर मरम्मति का काम काफी दिनों से बंद है, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। बेलसंड प्रखंड के डुमरा गांव में अब तक शौचालय के निर्माण की राशि लाभुकों को नहीं दी गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई। रून्नी सैदपुर प्रखंड के मधौल सानी प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन विभाग इस समस्या पर पहल नहीं कर रहा। सदर नगर परिषद के कर्मियों की मनमानी से नगर के लोग परेशान हैं। कई वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कटिहार के फलका प्रखंड में भरसिया पंचायत से कौवाकोल गांव तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। बारसोई प्रखंड के सभागार भवन में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी प्रखंड प्रमुख तमन्ना बेगम ने अध्यक्षता की। बरारी प्रखंड परिसर को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है, जिसे लेकर स्थानीय लोग पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत भवन में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आरटीपीएस शिविर का आयोजन किया गया। कदवा प्रखंड के शेखपुरा गांव में आसमानी बिजली गिरने से दो घर में आग लग गई, जिससे पालतू पशुओं की मौत हो गई। अहमदाबाद प्रखंड के भरनाटी गांव में पति पत्नी के विवाद को सुलझाने गई पुलिस का लोगों ने घेराव किया। ग्रामीण पति की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित थे। समेली प्रखंड के NH-31 पर बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई है, तो बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रखंड प्रमुख रंजना देवी की अगुवाई में पंचायत समिति की बैठक हुई। फलका प्रखंड में भरसिया पंचायत के कौवाकोल गांव तक बन रही सड़क पर बच्चियों से मजदूरी करवाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में सड़क का निर्माण हो रहा है। कदवा प्रखंड के सुंदरगाछी मीनापुर में ग्रामीणों ने देसी कट्टे के साथ अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फलका प्रखंड में यूथ ब्लड डोनर्स क्लब ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने की बात की। छपरा में लायंस क्लब की तरफ से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया और बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट बांटे गए। किसुआपुर प्रखंड में किसानों को खरीफ फसलों के बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान है, जिसे लेकर किसानों ने बीज केंद्र पर जमकर हंगामा किया। दरियापुर प्रखंड के सुतिहार नवादा में खोले गए जिले के पहले कॉमन फैसिलिटी सेंटर में स्थायी रूप से हस्तशिल्प का प्रशिक्षण शुरू किया गया। बढ़ती गर्मी में कुछ ग्रामीण पशुओं की प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। छपरा के एमके कैंपस में नए कैंपस का उद्घाटन किया गया और उसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तरैया की उपमुखिया बनी गंडार गांव निवासी ज्ञानती देवी, जीत के बाद बीडीओ ने शपथ दिलाया, इसे लेकर ग्रामीणों में खुशी है। बेतिया के मझोलिया थाना इलाके के परसा खोजवा टोले में पुलिस ने 20 लीटर शराब बरामद की और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
मझौलिया प्रखंड इलाके के पिपरपाती पुल के समीप शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। नरकटियागंज के पिपरा ढाला के पास ट्रैक्टर और टेम्पो में टक्कर हो गई है। इसमें टेम्पो सवार 5 यात्री घायल हो गए। बेतिया में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खून से खत लिखा है और राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने की गुजारिश। नरकटियागंज प्रखंड के केसरिया पंचायत में नल जल और गली नाली में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मझौलिया प्रखंड इलाके के नौतन खुर्द पंचायत में आइडियल पब्लिक स्कूल में जिला अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। बेतिया एसपी ने मझौलिया थाना कर थाने का औचक निरीक्षण किया। कांडों के निष्पादन के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया। मझौलिया थाना इलाके के नानुसती एनएच 727 चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया। मझौलिया थाना पुलिस ने हत्या के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। बगहा एक प्रखंड के बबोई टोले में दिल्ली से घर लौटी युवतियों ने महिला के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया। बगहा के रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत में एक बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटक कर पहुंच गया। प्रखंड के बोत्सर साइफन में मगरमच्छ ने युवक को दबोच लिया। इसकी तलाश दूसरे दिन भी जारी है। अभी तक युवक का शव बरामद नहीं हो पाया। बगहा एक प्रखंड के शास्त्री नगर में अपराधी ने एक शख्स की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। एक प्रखंड के आदर्श नगर थाना परिसर में प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। पुलिस ने खुद पुजारी बनकर दोनों की शादी करवाई। बगहा एक प्रखंड के मेहदी में बच्चों के विवाद में दबंगों ने दलितों पर जमकर कहर बरपाया है और बुरी तरीके से पिटाई की। बगहा के रामनगर प्रखंड के लौरिया रोड में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने एक समाज विशेष सौंप कर अंतिम संस्कार किया। बगहा टू प्रखंड के बोधसर में साई फन के पास काम कर रहे किसान को मगरमच्छ ने हमला कर दबोच लिया। बगहा के दियारा के पिपरासी के कक्की में बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहवा स्थित हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय प्रांगण में प्राचार्य पंडित भरत उपाध्याय ने स्कूली छात्र और शिक्षक के साथ पौधारोपण किया। बगहा टू प्रखंड के सुखवन रोड स्थित एडीजे कोर्ट वन में डीएम त्रिपाठी की अदालत ने रेप मामले के आरोपी तारा यादव को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। बगहा एक प्रखंड के अंसारी टोला समेत आसपास के गांव में जल जमाव से ग्रामीणों ने मुक्ति दिलाने की मांग की। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक टेंट कारोबारी को घर से बुलाकर गोली मार दी। परिवार वालों ने कारोबारी को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वारिसनगर थाना इलाके के बल्लीपुर गांव में ग्रामीणों ने एक बच्चे को चोरी के आरोप में जमकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। अंगार घाट पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक कंटेनर से 8 क्विंटल गांजा बरामद किया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज बेहद परेशान है। ओपीडी में डॉक्टर कभी समय पर नहीं पहुंचते। पूर्णिया कस्बा प्रखंड थाना इलाके के एनएच 57 के पास बाइक सवार को अपराधियों ने गोली मार दी। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एक नवजात की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जयनगर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मधुबनी के डीएम ने 8 टेक्नोलॉजी मैनेजर को दिया नियोजन पत्र। आत्मा परियोजना में करेंगे काम। झंझारपुर डीएसपी कार्यालय का आईजी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बेनीपट्टी के शिवनगर में दुकान समेत 6 घरों से चोरों ने लाखों की चोरी की। इससे पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मधुबनी में 10 दिवसीय सौराठ सभा का 30 जून को समापन होगा, जिसे लेकर सैकड़ों शादियों का पंजीयन किया गया। सुगौली के मदरसा फैजुल उलूम शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े और स्कूल की कुव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने फर्जी बहाली को रद्द करने की मांग की।
सुगौली के कई गांव में दलित बस्ती में चमकी को लेकर पीएलबी अवधेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश पर सुगौली के कई विभागों के अधिकारियों ने जांच की। चकिया प्रखंड में लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाह और मनमाना रवैये से नाराज होकर चकिया पावर हाउस में जमकर हंगामा किया। सुगौली के छपवा भटहा मुख्य मार्ग पर बना कोरैया पुल ध्वस्त होने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। सहरसा के सौर बाजार थाना इलाके के चिकनी गांव में खेत में पटवन करने गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। सहरसा के पतरघट उपी इलाके में लड़की से फोन पर बात करने के आरोप में युवक को खूंटे से बांधकर जमकर पीटा गया। सहरसा के बनगांव थाना इलाके में पीड़िता सोनी देवी ने एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि बनगांव थाना प्रभारी ने अब तक मामला दर्ज कर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बंगाल की चीटफंड कंपनी प्रयाग ग्रुप के खिलाफ सहरसा स्टेशन के पास सैकड़ों लोगों ने 4 घंटे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की सरकार से मांग थी कि कंपनी के एमडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निवेशकों की जमा राशि को वापस करवाया जाए। सहरसा के रमेश झा महिला कॉलेज में इंटर के फॉर्म भरने के दौरान हंगामा हो गया। बेगूसराय में हर घर से कचरा उठाने के लिए अब वार्ड नंबर 28 को प्रत्येक दिन गाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी। तेघरा प्रखंड के कई गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे। विधायक अमिता भूषण ने बेगूसराय के विभिन्न गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। गढ़पुरा थाना इलाके के सुजानपुर गांव में चोरों ने एक घर में सेंधमारी करते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रहे 10 साल के मासूम को कुचल दिया। बेगूसराय में बिजली की समस्या को देखते हुए सांसद गिरिराज सिंह की पहल पर बीजेपी नेता और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिला। जल संरक्षण को लेकर पीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी मनीचक के बच्चों ने पोषक क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। बकरी में बिजली विभाग के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने बिजली सबग्रिड के निर्माण का निरीक्षण किया। गढ़पुरा थाने के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने कार से लोडेड देसी कट्टा और चालक को गिरफ्तार कर लिया। घोषी प्रखंड इलाके के खिरोटी डीह गांव में भगवती स्थान और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 251 महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। उग्र भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेकर निर्दोष लोगों की हत्याओं के खिलाफ प्रखंड के काको बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया। सदर प्रखंड के साहू धर्मशाला में बीजेपी जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। जहानाबाद सदर प्रखंड इलाके के किनारी पंचायत के पंचायत भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। जहानाबाद शहर में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाया। बिजली नहीं मिलने को लेकर असराहा पंचायत के लोगों ने NH 527 को हाजीपुर चौक के पास बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। बहेड़ा थाने के निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने किया। विधानसभा इलाके में बीजेपी सदस्यता अभियान को गति देने के मकसद से मोहम्मदपुर खादी भंडार परिसर में बैठक हुई। सदस्यता अभियान 6 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा। कमतौल दरभंगा पथ में चेकिंग अभियान चलाकर जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार ने 3 ट्रकों और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर कमतौल थाने को सौंप दिया। जलवारा गांव में एक 5वीं के छात्र की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। नहाने गया था छात्र, परिवार वालों को सीओ अजीत कुमार झा ने घर जाकर सांत्वना दी और 4 लाख का मुआवजा दिया। बड़हरिया प्रखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री पेंशन योजना को लेकर भीड़ देखी गई है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। भारत सरकार की ओर से प्रायोजित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेंटर प्रबंधक विश्वजीत पांडे ने योग शिविर का आयोजन किया। मैरवा में बिहार राज्य हैंडबॉल संघ के नेतृत्व में सिवान टीम का चयन संपन्न किया गया। मैरवा नगर क्षेत्र में हल्की बारिश से सड़कों पर जलजमाव हो गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैरवा के प्राथमिक विद्यालय भूपतपुरा में
पानी भर गया है, पानी में ही बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एमएच नगर थाना इलाके के टरवा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट के दौरान 6 लोग घायल हो गए। पचरुखी बिजली विभाग सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर प्राइवेट मजदूरों से काम करवा रहा है। जीरादई बाजार में काम करने के दौरान करंट लगने से मैकेनिक घायल हो गया। बड़हरिया प्रखंड के चौकी हसन सलाहपुर नहर पुल के पास अचानक नहर का बांध टूटने से तालाब और खेत डूब गए। दुल्हन बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 दिनों से एम्बुलेंस खराब होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर जल जमाव होने से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। विक्रम थाना अंतर्गत अख्तियारपुर के पास ट्रक पलट गया, हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। नौबतपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी। सिविल सर्जन अरुण तिवारी ने सदर अस्पताल भभुआ में भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय जनऔषधि केंद्र उद्घाटन के बाद सिविल सर्जन अरुण तिवारी ने कहा कि ये दवा मार्केट से 60-80% कम रेट पर मिलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण प्रसाद ने स्वच्छता और महामारी के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दारू के नशे में हंगामा करते वार्ड सदस्य को पुलिस ने खोरडीह गांव से गिरफ्तार कर लिया। कुदरा से चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहरदगा जिले से अमरनाथ यात्रा के लिए जिले का पहला जत्था रवाना हुआ। बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा की शुरुआत की। किसको प्रखंड के अलग अलग गांव में कला जत्थे की नुक्कड़ नाटक टीम पहुंची और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक किया। पहली बरसात ने नगर परिषद के स्वच्छता अभियान के तमाम दावों की पोल खोल दी। कैरो प्रखंड के खरता पंचायत को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर हो गई है। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर के अलग अलग वार्डों में पूर्व मंत्री के अन त्रिपाठी ने दौरा किया। उन्होंने शहर की गंदगी और साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया। नावा बाजार थाना इलाके के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान 70 लीटर महुआ शराब और 170 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। हुसैनाबाद में पैरा शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। हुसैनाबाद में एपीजे अब्दुल कलाम फैंस यूथ क्लब कार्यालय में अनुमंडलीय कमेटी की विशेष बैठक हुई। मोहम्मदगंज में कांग्रेसी नेता आनंद प्रताप सिंह ने छठ घाट का शिलान्यास किया। मोहम्मदगंज के भजनिया गांव में राजकीय मध्य विद्यालय की दीवार जर्जर हो गई है, जिससे बड़ी घटना होने की आशंका है। मेदिनीनगर के कई जगहों पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ छापेमारी की। बड़ी मात्रा में शराब और जावा महुआ बरामद। डाल्टनगंज में बीजेपी की महिला नेत्री रूपा सिंह ने दिल्ली में मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। देवघर के जलमुंडी प्रखंड में बीजेपी नेता संजयानंद झा ने स्कूल में निजी फंड से आरओ लगवाया, जिसे लेकर बच्चों में खुशी का माहौल है। देवघर सदर के सिंगर सरोवर का नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्रावणी मेले को लेकर कई तरह के निर्देश दिए। देवघर के सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस का हाल बेहाल है, खुले में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सारवा प्रखंड के सारवा पीएससी सेंटर में मरीजों का प्राथमिक उपचार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी करते हैं। सारठ प्रखंड के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने महिलाओं के बीच गैस चूल्हे का वितरण किया। जरमुंडी प्रखंड के कई गांव में बीजेपी नेता संजयानंद झा ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक की। गढ़वा के वंशीधर नगर मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। रमना प्रखंड कार्यालय में उज्ज्वला दिवस के मौके पर 134 लाभुकों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया।
कांडी प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में नौजवान संघर्ष मोर्चा के 15 सदस्यों की प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। भवनाथपुर वन क्षेत्र के कैलान में तालाब निर्माण को लेकर मामला दर्ज किया गया, वन विभाग ने दर्ज कराया मामला। भवनाथपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर का हाल बेहाल है। आलम यह हो गया है कि एस्बेस्टस शीट वाली छत के नीचे मरीजों का इलाज हो रहा है। भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय में 70 गरीब महिलाओं के बीच निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हे का वितरण किया गया। गढ़वा में अंचल कार्यालय से कार्य अवधि में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सदर एसडीओ ने गैर हाजिर कर्मियों की हाजिरी काटते हुए एक दिन का वेतन स्थगित कर दिया। कांडी थाना इलाके के घटहुआ कला पंचायत स्थित संखवा मोड़ के पास टेम्पो दुर्घटना में भवनाथपुर थाना इलाके के चपरी गांव का एक व्यक्ति घायल हो गया। एसपी शिवानी तिवारी के निर्देश पर जिले की पुलिस ने गत दिनों चिनिया घाटी में हुई लूटकांड का खुलासा किया। धुरकी थाना इलाके के शारदा गांव में यूरिया खाद खाने से 5 बकरियों की मौत हो गई। सिंजो गांव में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मिनीगन फैक्ट्री संचालक सहित भटुआ बंदूक समेत हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई। डंडई प्रखंड के डंडई और लवाही कला पंचायत में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवनाथपुर थाना इलाके के बेल पहाड़ी में डायन विसाही का आरोप लगाकर महिला समेत 6 लोगों रूपा देवी और आशा देवी की जमकर पिटाई की। भंडरिया थाना इलाके के पाट गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत स्कूल की बच्चियों को महामारी से संबंधित विषयों पर जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। रामगढ़ में कुष्ठ और टीबी के रोगियों की पहचान और सुचारू रूप से इलाज कराने के लिए मेडिकल ऑफिसर बाल विकास पदाधिकारी और बीओ के साथ बैठक। वीडियो ने कुल्ही गांव के कलेश्वर महतो की पत्नी को अंबेडकर आवास सौंपा। झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल से ओबीसी मोर्चा सोशल मीडिया सेल के झारखंड प्रदेश संयोजक धनंजय कुमार कुटूस ने मुलाकात। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं। आपने रॉकेट लॉन्चर से हमले की कई तस्वीरें देखी होंगी।